नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। राजपूताना संघ जो बनाए हैं, आने वाले दिनों में समाज को मार्गदर्शन करेगी, समाज के विकास के लिए काम करेगी और समाज के जो दबे कुचले लोग हैं जिनको सही में जो ज़रूरतें हैं उसका पूरा करने का प्रयास करेगी। इतना मुझे हमारे जो साथी हैं, जो इसके पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है। देखते हैं तो संजय सिंह जी, चुनीलाल चौहान जी, दिनेश सिंह जी, किशन जी, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा विचार रखा और उसमें गोविंद ठाकुर ने भी जो योगदान दिया, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इस ये तो पहली साल थी, शुरुआत थी। आने वाले सालों में जो हमारी गरबा की टीम है दूसरी गुजराती, उसको भी पछाड़ करके उत्तर भारतीय गरबा और उत्तर भारतीय दांडिया गणेश नगर एकता नगर का मशहूर हो, लोग इसमें आकर के खेले, सारे उत्तर भारतीय समाज के लोग आकर के उसमें सहयोग दें, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं जानता हूं संजय भाई सक्षम है, आने वाले दिनों में ऐसा काम करेंगे। देखिए, ये हमारा शुरुआत था राजपूताना एकता मंच का, और जो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सीखा है और समझा है और जो इतिहास से हम लोगों की जो जानकारी मिली है, यही मिली है कि ये जो राजपूत क्षत्रिय जो होते हैं वो हमेशा दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। इसलिए आज ये राजपूताना एकता मंच बनाकर आज आप देखेंगे कि समाज के अंदर आज खुद जो दूसरे का प्रश्नों का उत्तर देते थे, आज खुद के सामने स्वयं के सामने एक प्रश्न बने हुए हैं। तो इसलिए हम सभी लोग आज यहाँ पे राजपूताना एकता मंच का आज यहाँ पे गठन किए। और कुछ हमारे समाज के लोगों का कहना था कि जब राजपूताना जो क्षत्रिय समाज है, हमारे बीच में बाला तावड़े जी, ये भी राजपूत हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी का, और बगल के वार्ड से नगर सेवक भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग को ज़रूरत पड़ी कि आज का दिन हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद, आज विजयदशमी का शुभ दिन, हमेशा से राजपूतों ने विजयदशमी बहुत हर्षोल्लास से मनाया है, क्योंकि जब लंका पर विजय रामचंद्र जी ने पाया तो पूरे अयोध्या में धूमधाम से विजयदशमी मनाई गई थी। और उसी को लेके आज इस मैदान में जो ये कथा मैदान है, जो हमारे सांसद गोपाल सेट्ठी जी ने इसको इतना सुंदर बढ़िया बनाकर हम लोगों के सामने उपलब्ध करा, आप लोगों ने देखा होगा, आप तो रोज़ आते हैं देखते हैं कि यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा कितना बढ़िया नवरात्र उत्सव का कार्यक्रम भोजपुरी में हो रहा है। तो इस मैदान का भी हम लोगों को लाभ मिला, इसलिए हमारा समाज यहाँ पर आज एकत्रित हुआ। और एकत्रित होकर एक हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया कि हमारे समाज में जो पिछले लाइन में जो खड़े हैं, जो लोग हैं, हम उनको किस ढंग से मदद कर सकते हैं, उनकी किस ढंग से हम सेवा कर सकते हैं, इस भावनाओं के लेके इस मंच को हम लोगों ने आज यहाँ पे स्थापना किया है। मेरे प्यारे भाइयों को, बहनों को नवरात्रि और दशहरा की शुभकामनाएं। बस बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों का प्यार चाहिए। और आज ये राजपूताना एकता मंच सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरा एक सपना था 22 साल के राजनीतिक कैरियर में कि एक राजपूताना मंच हो जिस पे मैं काम कर सकूं, और आज मुझे जयशंकर सिंह ठाकुर जी और संजय सिंह ने वो अवसर प्राप्त किया है। और जो गली नुक्कड़ है, अभी जोरों शोरों से काम चालू होगा कि ठाकुर घराने के लिए और ठाकुर घराने के बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए हम कुछ कर सके। तना एकता मंच का
कुछ दिन पहले हम लोगों ने बैठ करके गठन किया और सर्वसम्मत से संजय सिंह ठाकुर को अध्यक्ष मनोनीत किया गया और हमारा वो रजिस्ट्रेशन भी राजपूताना एकता मंच हो चुका है। और इस राजपूताना एकता मंच का हमारा लोको भी राजपूताना एकता मंच क्षत्रिय धर्मे युगे युगे हमारा ये नारा है, क्योंकि हमारा धर्म जो है ये सदियों से क्षत्रिय लोग दूसरों का फैसला करते थे, आज थोड़ा इतना आरक्षण के जरिए इसके जरिए इतना दब गए हैं कि अब इनको खुद अपना फैसला दूसरे से कराना पड़ता है। और दूसरी बात, हमारे में शादी ब्याह दहेज उत्पीड़न इसको बर्दाश्त नहीं करेगी राजपूताना एकता मंच। सबसे पहले तो मेरे सभी राजपूत भाइयों और बहनों को मैं इस मंच की ओर से और मेरी ओर से नवरात्रि की और विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। राजपूताना मंच की स्थापना के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर और जय सिंह ठाकुर जी, इन्होंने मुंबई शहर में और इस हमारे कांदिवली के विभाग में इस मंच का आज यहाँ पर उद्घाटन किया है। मैं खुद एक राजपूत होने के नाते महाराष्ट्र में हमारे 2 साल से एक मराठा लाख मराठा के आंदोलन से हम आप सभी परिचित रहेंगे और उसका एक मैं सहभागी हूँ। मैं चाहता हूँ हम किसी आरक्षण के विरोध में नहीं रहेंगे और मेरे मत से ये सहमत भी रहेंगे राजपूताना मंच, क्योंकि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण किस लिए होना चाहिए? आर्थिक परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए, ना तो जात पात के हिसाब से होना चाहिए। हम आरक्षण का सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन जो पिछड़े लोग रहेंगे जिनको आर्थिक परिस्थिति से आरक्षण की ज़रूरत रहेगी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। वो हमारे समाज में भी आज हमारे कुछ लोगों को ज़रूरत है और होना भी चाहिए। ये विचार हम लेकर चलते हैं। और जो जय सिंह भैया ने बताया सही बात है कि हमारे में जो शादी ब्याह में दहेज दिया जाता है उसके वजह से जो आर्थिक परिस्थिति से हमारे भाई है उनको परिवर्तन है और बेटियां पढ़कर अच्छी पढ़ती है फिर भी उनकी शादी हम अच्छी घर में नहीं कर पाते, तो उसके बारे में हमें हमारे समाज में हमारा सबका यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी का दायित्व रहेगा कि हम समाज में वो प्रबोधन करें और समाज को उस दिशा में ले के जाए कि पैसे में और दहेज देने इतर कोई वस्तु के अलावा उसकी शिक्षा कितनी है उसको अगर नज़रअंदाज लगा कर हम हमारा रिश्ता करेंगे तो हमारे समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारी अच्छी बातें मिलेगी। और फिर से एक बार आज इस शुभ अवसर पर विजयादशमी का त्यौहार है और एक ठाकुरों की और मराठाओं की परंपरा रही है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि सीमा उल्लंघन बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में जिसको, वो आज इस सब मेरे भाइयों ने किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसका हमने आज इसकी शुरुआत की है, लेकिन इस मंच से हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम हमारे समाज के लिए एकजुट बनकर आने वाले में जो हमारी परंपरा थी, जो हमारा समाज वैभवशाली था, उस वैभवशाली परंपरा को बरकरार रखते फिर से एक बार इस समाज को और इस धरती में एक वैभवशाली ऐसा फिर से स्थापित करें, यही शुभकामनाएं के साथ जय हिंद जय महाराष्ट्र। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।